नमस्कार दोस्तों, विक्रम लैंडर के ऊपर से गुजरने वाला है नासा का लॉन्चर क्राफ्ट। जी हां दोस्तों, इसरो अपनी नजर बनाए हुए है। भारत के लैंडर विक्रम के लिए आज का दिन बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज नासा इसकी इमेज खींचने की पहली कोशिश करने वाला है। नासा इसके लिए लॉन्चर रिकॉन्सनेसर ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा। नासा का यह ऑर्बिटर वर्ष 2009 से ही चांद के चक्कर लगा रहा है। आज यही एलआरओ इस जगह से गुजरेगा जहां पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर पड़ा है। आज जिस मिशन को नासा अंजाम देने वाला है उसके लिए एलआरओ की ऊंचाई को 100 किलोमीटर से 90 किलोमीटर किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स ने दी है। नासा का ल्यूनार क्राफ्ट यदि आज अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो यह भी काफी बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के तहत छोड़ा गया ऑर्बिटर अब भी चांद के चक्कर लगा रहा है। इसने ही 9 सितंबर को सबसे पहले लैंडर विक्रम की थर्मल इमेज खींची थी। इसके जरिए ही उस जगह का पता चल सका था जहां आज लैंडर मौजूद है। दोस्तों बताते चलें कि इससे पहले विक्रम की पोजीशन और उसके चांद की सतह मून सरफेस पर उतरने की लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ऑर्बिटर से मिली थर्मल इमेज से यह साफ हो गया कि विक्रम चांद की सतह पर ही उतरा है। इससे पहले इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि कहीं विक्रम मार्ग से भटककर ब्रह्मांड में कहीं खो तो नहीं गया, लेकिन थर्मल इमेज के बाद यह तय हो गया कि विक्रम सही सलामत मून पर लैंड किया था। जी हाँ, भले ही उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। दोस्तों विक्रम से संपर्क साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे हैं वैसे वैसे इसकी संभावना भी कम होती जा रही है। गौरव तलब है कि लैंडर विक्रम 7 सितंबर को चांद के दो केटर्स मेजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच वाले मैदान में लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर उतरना था, जहां उसे इन दोनों के बीच की दूरी करीब 45 किलोमीटर है, लेकिन सतह छूने से 2 किलोमीटर पहले ही वह मार्ग से भटक गया था। फिलहाल लैंडर विक्रम चांद की सतह पर पूरी तरह सुरक्षित है। नासा की आज इस पहल पर इसरो की नजर बनी हुई है और साथ ही इसरो भी नासा के साथ साथ मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज इसरो को इसमें कामयाबी मिले, नासा यह इमेज खींचने में कामयाब हो और संपर्क की कोशिश की जाए। दोस्तों और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़।